हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सी एस आई नेट के आज न्यू पार्ट यानी कि हम लीनियर एलजेब्रा के टॉपिक्स को देखेंगे। तो लीनियर एलजेब्रा में हम बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। ये हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट नंबर का पार्ट है। हमने इसके पहले भी बहुत सारे रियल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स निकाले थे, साथ ही साथ हमने पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के भी टॉपिक्स को देखे थे। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक्स यानी कि मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आज हम मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले है मैट्रिक्स, आइए जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। अ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। एम एन जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरे। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में अरेंज होते हैं, एम हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि उसको हम रोज कहते हैं, एंड एन वर्टिकल लाइंस यानी कि उसको हम कॉलम कहते हैं, इज कॉल्ड एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड टू बी रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स। मीन्स इसमें हमारे पास टोटल एम रोज होते हैं एंड एन कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स में नंबर्स को यानी कि एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज करते हैं। देखते हैं इसका फॉर्म किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज द A11, A12, so on A1n। इसमें n यहां पर कॉलम्स होंगे, A21, A22, so on A2n, so on। इसमें लास्ट जो रोज होंगे हमारे AM1, AM2, so on AMN। यानी कि ये सारे जो हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं वो सारे रो को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइंस जो दिख रहे हैं ये सारे जो हैं ये कॉलम्स को प्रेजेंट करते हैं। द सिंबल AIJ रिप्रेजेंट एनी एंट्री IJ मीन्स AIJ लाइज इन द आइथ रो एंड jth कॉलम। मीन्स ये जो हमारा होगा वो एलिमेंट की पोजीशन को शो कर रहा है कि एलिमेंट कौन से पोजीशन पे होगा। मींस एलिमेंट जो है ये आइथ नंबर के रो एंड जेथ नंबर के कॉलम के पोजीशन पर होगा। यानी कि सपोज हमने यहाँ पर 2 and 2 ले लिया, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 2 ले लिया। इसका मतलब ये है कि आई मीन्स की वैल्यू 2 मीन्स सेकेंड रो में हम देखेंगे, जे मीन्स सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम देखेंगे वो A22 होगा। ये इसके पोजीशन को शो करता है। चलिए आगे हम देखते हैं, अब इसके कुछ नोट्स हैं, देखते हैं क्या इसमें बातें हो सकती हैं जिसको हम याद रख सकते हैं। अ मैट्रिक मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट AIJ स्मॉल ब्रैकेट एंड द AIJ, ये जो है डबल मॉड का जो साइन यहां पर दिख रहा है, नॉर्म का जो साइन दिख रहा है, इसको हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और बाय द सिंगल कैपिटल लेटर A, इसको कैपिटल लेटर से भी शो किया जाता है। ये सारे वही चीज हमने लिखे हैं, और ये जो मैट्रिक्स होंगे एम क्रॉस एन के फॉर्म में शो होंगे। सेकेंड होता है इसका, अ मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो वैल्यूज जो दिख रही है मैट्रिक्स में, जितने भी वैल्यूज दिखेंगे वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। इट इज ओनली अ कन्वीनियंट वे ऑफ द स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होते हैं उस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए, हमारे दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए, ताकि हम उसको को बहुत टाइम तक याद रख सके और उसको सही ढंग से पढ़ सके, जब भी हमको उसकी ज़रूरत हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम उसको कोई कन्वीनियंट कोई स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम किसी बाय रूल में अरे के फॉर्म में उसको अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज होने के बाद हम उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड, ईच ऑफ द एम एन नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज नोन एज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके मैट्रिक्स को हम एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे देखते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स। देखो, वेरियस काइंड्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट होता है हमारा रो मैट्रिक। कोई भी मैट्रिक है वो रो मैट्रिक कब कहलाता है? इफ अ मैट्रिक हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। मीन्स ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? देखिए, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स वो क्या दिख रहे हैं, ओनली वन रो में ही अरेंज होंगे, और कॉलम बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है 4, 5, 6, इसमें वन
हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वन ओनली रोज होंगे इसमें। एंड इसमें वर्टिकल लाइंस थ्री दिख रहे हैं, मीन्स थ्री कॉलम्स होंगे इसमें, मीन्स नंबर ऑफ रो जो है वन होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो है हमारा वन क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक। अगर रो मैट्रिक आपने समझ लिया है तो कॉलम मैट्रिक भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, मीन्स इसमें एक ही कॉलम होंगे और नंबर ऑफ रोज बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया है मैट्रिक जिसमें रोज देखते हैं, वन टू थ्री फोर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है फोर हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रहे हैं, मीन्स फोर रोज होंगे, और कॉलम जो है या मीन्स वर्टिकल लाइन ओनली वन आ रहे हैं, मीन्स ये जो है इसके कॉलम होंगे। तो वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, ये जो हमारे होंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसमें हमारे पास थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस में थ्री रोज हैं एंड थ्री कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फोर्थ नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से समझ आ रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल में ही प्रेजेंट होंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब देखिए हमने एक मैट्रिक्स बनाया, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होंगे। तो देखो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब इसमें देखो ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं फोर सिक्स एंड वन, ये ऑनली डायगोनल में ही दिख रहे हैं, ये जो है डायगोनल को शो कर रहा है, ये जो है डायगोनल में ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और इसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और ये ध्यान रखना कि ये जो है सारे नंबर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं, मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। आगे देखते हैं डेफिनेशन नंबर फाइव या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नंबर फाइव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स कब होते हैं, इसके लिए कंडीशन होता है इफ ऑल द नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द जीरो एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द स्केलर से के। मीन्स इसमें क्या होंगे, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स दिखा था उसमें डायगोनल में सारे एलिमेंट्स थे, इसमें भी वही चीज होंगे कि डायगोनल में ही सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, मीन्स सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे। सिक्स 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 हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, तो सारे एलिमेंट जो है सेम है, और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं सिक्स नंबर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट से समझ आ रहा है वन, मीन्स सिंगल वन वैल्यू। देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द यूनिटी, मीन्स वन। अब देखिए जो हमने डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल मैट्रिक्स जो देखा था उसमें नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो हैं, और डायगोनल एलिमेंट जो अगर वन हो जाते हैं, इसकी सारी वैल्यू जो है डायगोनल वैल्यू वो अगर वन हो जाती है, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे वो थ्री क्रॉस थ्री में भी हो सकते हैं या टू क्रॉस टू मैट्रिक्स में भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम डेफिनेशन नंबर सेवन, टाइप सेवन, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स से समझ आ रहे हैं कि नल मीन्स क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, पूरे खाली होंगे, मीन्स उसमें एक भी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं रहेगा, मीन्स सारे एलिमेंट्स जो है जीरो होंगे। देखिए अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया, टू एग्जांपल्स हमने लिया, इसमें सारे एलिमेंट्स दिखे, सारे एलिमेंट्स जीरो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो होंगे वो क्या होंगे, नल मैट्रिक्स होंगे। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। आगे एट्थ नंबर द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रोज। मीन्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो रोज के कंपेयर में ज्यादा होंगे। मीन्स देखो वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम्स दिख रहे हैं और रोज कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री, मीन्स नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कम होगी तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका अपोजिट देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, ये क्या होगा, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ वर्टिकल मैट्रिक्स
इफ द नंबर ऑफ रोज आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वर्टिकल लाइंस अगर कम होंगे और हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर ज्यादा होंगे तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। मीन्स अब ये याद रखना कि वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वर्टिकल लाइंस अगर कम है मतलब वो वर्टिकल मैट्रिक्स है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं इसके, 10th नंबर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में समझ आ रहा है यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स होगा उसका कुछ छोटा पार्ट होगा, मीन्स सब पार्ट होगा। अ मैट्रिक्स विच इज ऑप्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय द डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ द रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड आर सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मीन्स हमने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पर 2 5 7 8 1 3, ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। देखो ये कैसे मैट्रिक्स, इसको हम सब मैट्रिक्स बोलेंगे, किसका, इस वाले मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2 5 7 8 1 3 5 7 9। अब इसमें से देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, ओनली 2 रोज को ले लिया, मीन्स 2 5 7 एंड 8 1 3, तो मैंने इसमें से उठाकर कुछ एलिमेंट्स को ही लिया है, मतलब ये इसका क्या हो जाएंगे, ये जो होंगे वो हमारे सब मैट्रिक्स हो जाएंगे ऑफ मैट्रिक्स दिस। अब आगे देखते हैं 11th नंबर टाइप, द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। मतलब जो हमारा लीडिंग डायगोनल होगा उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मीन्स अपर पार्ट में ही वैल्यूज होंगी और लोअर पार्ट में सारे वैल्यूज जीरो होंगे, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए एग्जांपल इसमें 4 5 2 7 0 3 7 0 0 0 1 3 0 0 5, हमने ये लिया। अब देखो इसमें मेन डायगोनल क्या दिख रहा है, लीडिंग डायगोनल क्या दिख रहा है, ये हमारा डायगोनल दिख रहा है यहाँ पर 4 3 1 5। अब इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे जीरो हैं और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पर कोई ना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, तो इसको हम जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, मीन्स अपर पार्ट में ही वैल्यूज होंगे। अब इसका अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें हमने कोई लीडिंग यहाँ पर डायगोनल लिया 3 5 2 1, अब इस लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स हैं इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि लोअर पार्ट में ही इसके सारे वैल्यूज आ रहे हैं और अपर पार्ट में सारे वैल्यूज जीरो हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इफ वी इंटरचेंज रो एंड द करस्पोंडिंग कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स ए, हम क्या करेंगे, रो एंड कॉलम्स को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो देन द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेंड इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय अ ए टी और ए डैश, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, या तो हम ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको या इसको भी ए डैश लिख सकते हैं, इसको ए ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसपोज ऑफ ए, हमने क्या किया यहाँ, ए का अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो देखो ये हमारे पास ए वैल्यू है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो होंगे सारे रो जो है उसको सारे कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर सारे कॉलम को सारे रोज में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 4 5, ये जो ये हमारे पास रो में है इसको हमने कॉलम में लिख दिया 3 4 5, और ये जो रो में है 2 1 6, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 2 1 6, एंड यहाँ है 7 8 0, ये थर्ड रो, तो इसमें थर्ड कॉलम में चेंज कर दिए 7 8 0, तो ये हमारा बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ए के इक्वल आता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इस कंडीशन में ए आई जे मीन्स एलिमेंट जो है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होंगे। अब आगे देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ ई हमारे पास अगर है तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका डेस निकाल रहे हैं तो ट्रांसपोज क्या होंगे, देखिए ये जो हमारे पास रो था उसको कॉलम में चेंज किए, ए एच जी इसको हमने कॉलम में चेंज किया, एच बी एफ को एच बी एफ एंड इसको हमने कॉलम में चेंज किया जी एफ ई। अब इसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं ए से, दोनों वैल्यूज जो है इक्वल आ रही है, मीन्स अगर हम इसका ट्रांसपोज भी अगर निकाल रहे हैं अगर वो ए के ही इक्वल आ गया मतलब ये क्या होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब
स्क्वायर सिमेट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगे? अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस ए के इक्वल आया, मतलब वो क्या होंगे? स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। मीन्स इसमें ए आई जे की जो वैल्यू होगी, एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी, वो माइनस जे आई के इक्वल होगी। देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज होगा जीरो एच जी माइनस एच जीरो माइनस एफ एंड माइनस जी एफ एंड जीरो। ये हमारा क्या आ गया? ट्रांसपोज आ गया। तो इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस ए के इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये क्या होंगे? ये हमारे ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाएंगे। तो इसको हम स्क्वायर सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल नंबर या फिर टाइप्स नंबर 16। तो इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहां पर आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब नेक्स्ट है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स 17 नंबर। इफ वी रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हमने क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। देन द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ अ ए एंड इज डिनोटेड बाय अ ए कॉन्जुगेट। हम इसको बार से शो करते हैं कॉन्जुगेट को। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल ये a इज इक्वल टू 2 प्लस आई 3 माइनस 4 आई 5 8 प्लस 3 आई माइनस 2 आई 4 माइनस 5 आई। तो इसका मतलब ये है कि इसका हम जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा उसका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, मीन साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है पोर्शन माइनस हो गया, ये पोर्शन प्लस हो गया। वैसे ये 3i वाला पोर्शन माइनस 3i एंड प्लस 2i 4 प्लस 5i, ये जो है इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट का मतलब क्या है? ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों को जब मिक्स कर देते हैं हम तो उसको हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होंगे कि जब ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट जो होंगे उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स आपको शायद समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। हर्मिटियन मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। ए कॉन्जुगेट का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो ए के इक्वल आता है तो वो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टू एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ए सी माइनस आई डी सी प्लस आई डी बी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका हम कॉन्जुगेट निकाले तो ये जो है साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये जो रो होंगे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे ए सी प्लस आई डी एंड ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे सी माइनस आई डी एंड बी। तो ये जो है ये वैल्यू जो है ए के वैल्यू के इक्वल आ गई, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? हर्मिटियन मैट्रिक्स। सेम एज एग्जांपल सेकंड भी है, इसको आप देख सकते हैं सेम एज यहाँ पर सॉल्व हुआ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसके हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में क्या होगा? ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मीन्स इसमें माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कॉन्जुगेट नहीं हो रहा है और जिसमें यहाँ पर कॉन्जुगेट वाली वैल्यू मीन्स इसके हर्मिटियन की वैल्यू आ रही है। देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं हम। देखो माइनस आई थ्री प्लस टू आई माइनस टू माइनस आई माइनस थ्री प्लस टू आई जीरो थ्री माइनस फोर आई एंड टू माइनस आई माइनस थ्री माइनस फोर आई टू आई। अब देखो इसका हम सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, मीन सारे जो इमेजिनरी पार्ट के साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो ये जो है रोज वो कॉलम में सारे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन जो हैंगे इसके चेंज हो जाएंगे। अब ये लास्ट में जो देखेंगे इसकी वैल्यू जो है इस ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू की इक्वल आ रही है, मीन्स ये क्या हो जाएंगे? जो हमने ये माइनस वाली वैल्यू था वो ए के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स होंगे। अब इसके ई वाले एग्जांपल में देखते हैं, इसमें जो है ए के इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट
21 यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन ये होता है, कोई भी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स वो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा, जब a into a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू a ट्रांजुगेट इंटू a, अगर ये होगा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे। 22 नंबर हम देख लेते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, a मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए टू दी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं मैट्रिक्स जो है उसका अगर हम पावर पावर एन प्लस वन करें मीन्स उतने टाइम उसका मल्टीप्लाई करें तो वो जो है एक एक पल अगर आता है तो उसको हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ पर ए जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर एन जो है एन को हम बोलेंगे पीरियोडिक ऑफ ए। आगे देखते हैं इसके लिए 23 नंबर इडमपोटेंट मैट्रिक्स। इडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब हम ए स्क्वायर करते हैं और उसकी वैल्यू अगर एक इक्वल आती है, बस ए का हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ए से ही, तो उसकी वैल्यू अगर एक इक्वल आ गई तो वो इडमपोटेंट मैट्रिक्स होंगे। 24 नंबर देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में एक कंडीशन होता है कि अगर ए का उसी मैट्रिक्स का हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मीन्स मैट्रिक्स का ए इंटू ए एन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो उसको हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो n जो होता है, यहाँ पर n जो होगा जो पावर है हमारा, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। 25 नंबर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होते हैं, ए स्क्वायर की जब वैल्यू हम निकालते हैं अगर वो i की इक्वल आ जाती है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाती है, यूनिट मैट्रिक्स की इक्वल आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। 26 नंबर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, द मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स यहाँ पर मॉड ऑफ ए जब हम निकालेंगे उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और इसका मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आती है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम आपके लिए आगे भी और भी लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स को लाएंगे, तो आज की वीडियो में इतने ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।